होता है। बचपन से मैंने देखा है कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को सीआरपीएफ संभाल देगी। ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती। अनेक सालों के परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती है, चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो। ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो, चीर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज